गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? सो मैं अभी थोड़ा सा फ्रूट्स खाऊंगी क्योंकि ये मेरा फ्रूट्स खाने का टाइम होता है, और थोड़ा सा बैल्कनी में बैठूंगी। जैसे आपको पता है, हमारा जो बैल्कनी है वो कॉमन सा बैल्कनी है, खुद का नहीं है। तो इसीलिए मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि हम एक रूम चेंज कर ले, पर मुझे बैल्कनी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ऑरेंज खा रही हूँ मैं, छील लिया है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड निकल रहे थे ऑफिस के लिए, मतलब दोपहर के खाने के बाद ही उसको फ्रूट्स देती हूँ आजकल, मतलब वो तो नखरे करते ही है। तो उसी टाइम पे मैंने छील के रख दिया था, तो अभी खाऊंगी। और इसी टाइम पे ना बहुत अच्छा लगता है, धूप मतलब बहुत कम रहता है, रेडिश हो जाता है पूरा मौसम, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, मैंने ऑफ कर दिया। आज ना कुछ खास स्नैक्स बनाऊंगी, इसीलिए व्लॉग को स्टार्ट किया है। नॉर्मल कुछ नहीं बनाऊंगी। स्नैक्स में बनाऊंगी दही भल्ला। हम लोग बंगाली में दो ही बड़ा बोलते हैं, जो एक बेसिक सा बड़ा काइंड ऑफ होता है जो बनता है। हम बंगाली में तो बोलते हैं ब्यूली दाल, मतलब जो दाल डोसा के बैटर में यूज़ करते हैं ना, थोड़ा सा स्लीपरी होता है, वही दाल से बनाएंगे। और उसको मैंने भिगो के रखा है, मैं दिखाती हूँ। दाल को मैंने भिगो के रखा था, और इस दाल को मैं अभी मिक्सी में डाल के पीस लूँगी। तो इस दाल को मैंने 3 to 4 hours भिगो के रखा था। 3 hours भिगोने पे ये हो जाता है, तो इसको अभी बहुत अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर लेना है। में ब्लेंड किया है, कंसिस्टेंसी कैसा होना चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ, उसी तरह से बनाना। ज़्यादा अगर पानी डाल दोगे तो वो अच्छे से मतलब फूलेगा नहीं, मतलब ऐसे लिक्विड हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं होगा। मैं आपको दिखाती हूँ। दाल को अच्छे से मैंने मिक्सी में पेस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से ऐसे फेंट लूँगी 5 मिनट तक, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। और आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे से फैट लिया है, तो इसीलिए थोड़ा सा बबल्स दिख रहे हैं आप। तो अच्छे से इसको फैटना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए और हमारा भल्ला जो है वो अच्छे से बने। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, मैंने ओनली नमक ही डाला है। बहुत सारे लोग किशमिश, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, मतलब ग्रीन रेड चिली पेस्ट ऐसा डालते हैं, सौंफ डालते हैं, पर मैं कुछ नहीं डालूंगी, मैं ओनली नमक डाला है। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इस तरह से अगर नहीं होगा तो आपका भल्ला जो है वो नहीं बनेगा। और यहाँ पे मैंने ऑयल चढ़ाया है, एक एक करके मैं भल्ला को फ्राई करूँगी, ऑयल गर्म हो रहा है। ये मेरा दही भल्ला का जो भल्ला है वो कितना सुंदर से फूल रहा है, आप देख सकते हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से मैं फ्राई करके रख रही हूँ, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, तो ये फ्राई करके मैं इस पानी के अंदर डाल दूंगी बड़े को, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए।
आपको ऐसे गरम थोड़ा सा गुनगुना पानी में इसको छुपो के रखना है, उसके बाद ऐसे प्रेस करो तो इसमें जो एक्सेस मतलब वाटर है वो निकल जाएगा और आप इसको इस तरह से रख दो। 10 मिनट में ये मतलब वाटर जो है वो सोक कर लेता है, थोड़ा सा अभी गर्म है इसीलिए मुझे तकलीफ हो रही है। तो क्या होता है कि वाटर सोक करने में भी ये नरम हो जाता है, नहीं तो अगर इसी फॉर्म में इसके ऊपर आप दही डालोगे तो ये एकदम अच्छा नहीं बनेगा, एकदम रफ हो जाएगा, मतलब एकदम सूखा सूखा लगेगा। तो इसको पानी में मतलब ऐसे डिप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मुझे दो चटनी बनानी है, मैं एक ग्रीन चटनी और एक मीठा चटनी इमली का, चलिए आपको दिखा देती हूँ। इमली की चटनी के लिए मैंने इमली को भिगो के रखा था, इतना सा इमली को थोड़ा सा पानी में भिगो के रखा था। अगर थोड़ा सा गुनगुना पानी में अगर आप डालोगे तो इमली जल्दी जो है वो मतलब भीग जाता है 10-15 मिनट के अंदर। इसके अंदर मैं चीनी डालूंगी क्योंकि ये जो चटनी है इमली का वो थोड़ा सा मीठा मीठा होता है, और चीनी को थोड़ा सा गलने तक वेट करूंगी। उसके बाद एक साथ सारे चीज़ों को एक साथ मैं ऐसे करूंगी ताकि इसका जो इमली का जो पूरा पल्प है वो निकल जाए। और ग्रीन चटनी के लिए मैंने लिया है धनिया पत्ता एक मुट्ठी, आप ज़्यादा बना सकते हो पर नहीं यूज़ होता है, फिर खाना पड़ेगा एक्स्ट्रा रोटी बोटी के साथ। और एक मैंने लिया है हरी मिर्च, आप देख सकते हो, और थोड़ा सा नमक, इसको मैं पीस लूँगी और बन जाएगा हमारा हरा चटनी। हमारा दोनों चटनी रेडी है, इमली का चटनी है, ये ग्रीन चटनी है और ये है दही। आप देख सकते हो कितना अच्छा दही जमा है, एकदम पूरा एकदम हिलेगा भी नहीं। तो ये मैं घर पे बनाती हूँ, और कैसे बनाती हूँ वो आप पिछले वाला व्लॉग चेक करो, उसमें दिखाया था मैंने। और ये सारे मेरा बल्ला जो रेडी है, और आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, दही बल्ला उतना भी अनहेल्दी नहीं होता है क्योंकि आप जब भी इसको पानी में चुभोते हो ना तो उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है आप देख सकते हो ऑयल निकल जाता है, जब भी आप उसको प्रेस करते हो तो उसका ऑयल निकल जाता है, तो इसीलिए उतना भी अनहेल्दी नहीं होता है। चटनी मेरा बन चुका है, अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसे इसको सजाते हैं। ये तो मतलब बहुत सिंपल है, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे चार ऐसे रखूंगी पहले बल्ले को, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इस डिश का दही, जिसको मैंने अच्छे से फैट लिया है नहीं तो अच्छा नहीं होता है, तो वो डालना पड़ेगा अच्छे से, इसमें कंजूसी मत करना, ये ज्यादा डालना, एकदम कोट हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ना इसको दही के अंदर डिप करके भी रखते हैं, आप वो भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि इस तरह से अच्छा बनेगा। नेक्स्ट मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा हरा भरा ग्रीन चटनी। ओहो, नेक्स्ट क्या ऐड करना है, मीठा चटनी। तो ये मेरे हस्बैंड का प्लेट बना रही हूँ मैं, तो इसके अंदर मीठा चटनी जो है वो ज़्यादा डालूंगी क्योंकि उसको मीठा स्वाद जो है पसंद आता है, पर आजकल वो बहुत पसंद करता है मतलब तीखा खाना। और ये डालूंगी मैं थोड़ा सा भाजा मसाला या ना भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो, आप थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाल सकते हो, पर मुझे ये डालना ज़्यादा पसंद है। और ऊपर से थोड़ा सा सेव डालने से अच्छा होता है, पर मेरे पास नहीं है तो मैं थोड़ा सा जो नमकीन नॉर्मल सा होता है ना उसी को ऐसे क्रश करके डाल दूंगी। आप बोलो देखने में कैसा लग रहा है, लग रहा है ना ये दुकान का है कि नहीं बताओ। लगेगा ये सोच के मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल दिया है। ओह माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है ना बताओ। Thank you.
दुकान जैसा हुआ। हाँ, दुकान से भी अच्छा हुआ। मेरे हस्बैंड को ऐसे पसंद नहीं है दही के चीजें, पर उसको अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, सही में बोलो। हाँ बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने क्या बोला आपको पता है कि तुम ये दही भल्ले को ना, मतलब जब मैं फ्राई कर रही थी तभी आ गए थे ऑफिसर, उसने बोला कि तुम ऑयल में उसको और ज्यादा डाल करके फ्राई करो, उसके बाद उसको चीनी की चाशनी में डाल दो, सिरप में, शुगर सिरप में, तो वो गुलाब जामुन जैसा ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो रस बड़ा घंटा कर वो खाली मिष्टी। मेरे हस्बैंड को ना बहुत, मतलब ये स्पाइसी चीज़ें, मसालेदार और मीठा, तो आज पहले क्या होता था कि खाने में इसको मीठा बहुत पसंद था तो मीठा डालती थी मैं, और जब से मैंने मीठा डालना स्टार्ट किया इनके लिए डालती थी, और ये मुझे बोलते थे कि घोटी कोथाकार, घोटी शॉबड़ाना है मिष्टी दाओ, मतलब बंगाल और घोटी दो मतलब टाइप्स रहते हैं बंगालीज का, बंगाल और घोटी। तो पता नहीं इनको किसने बोला है कि घोटी लोग शुगर डालते हैं, ऐसे मैं घोटी नहीं हूँ, मैं बंगाल हूँ। ये दो टाइप्स होता है बंगालीज का। सो बहुत बात कर रही हूँ मैं, इसका मजा ले लो। हाँ हाँ हाँ, तो देखो चूल्हे को स्टाइल तो ना, तो मुझे अभी बहुत काम करना है, बातें बाद में करूँगी, क्योंकि इतना कुछ बनाया ना मैंने तो कटोरी कटोरी सारा, मतलब सिंक भरे परे है पूरा मेरा। माँ कैमन आ बोलो। बहुत अच्छा, बहुत नतून ये नया वर्ड है मम्मी के लिए। मम्मी ना हर एक को फेसबुक पे एक ही वर्ड कमेंट करती है, खूब सुंदर खूब सुंदर। और ऐसे वीडियो में मैं कुछ बोलने के लिए बोलती हूँ तो मम्मी बोलती है बहुत अच्छा बढ़िया। अब आज बोला, आज की बोला खुनी बहुत अच्छा, बहुत से बहुत अच्छा बोला मम्मी ने। मम्मी अभी हिंदी सीख रही है थोड़ा थोड़ा, तो मम्मी अभी रोटी बनाएंगी। और देखो इतना सारा बच गया है, तो कल भी हम शाम के ही खाएंगे सोच रहे हैं। और अगेन मैंने सुबह को, मतलब राजमा, सॉरी क्या बोलते, तड़का बनाया था कल रात को, तो उसको उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के रखी हूँ मैं, इसको गर्म करना है। और फिर कल सुबह के लिए मुझे ग्रीन मूंग छीरा बनाना है, फिर इसको भिगो दूंगी मैं, बहुत सारा काम है। सो अगर आप पहली बार दही भल्ला घर पे बना रहे हो और टेस्ट कर रहे हो, तो मेरे तरफ से एक सजेशन है, पहले दो ही लेके टेस्ट करना। मैंने जैसे आपने देखा ना कि चार चार लेके मैंने प्लेट बनाई थी, मेरे हस्बैंड तो खा लिया है चार, पर मेरा और मेरा मम्मी का मतलब अभी फुल हो गया है। हम लोग रात को रोटी खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे यही सोच में है हम दोनों, एक एक करके रोटी खाएंगे यही सोच रहे हैं। और रात का मतलब तड़का रेडी है, सो बस मम्मी रोटी ही बनाएंगी और कुछ काम नहीं है मुझे, छोटा मोटा काम है। कपड़े रखने की सारे जो मतलब बैग्स रखती हूँ सारा कुछ भर चुका है, मुझे पता नहीं मैं कहाँ रखूँ। ये मेरा मतलब कंफर्टर जो मतलब कंबल है सर्दी के लिए लिया था, उसको भी ऐसे रखना पड़ रहा है क्योंकि इसको मुझे भी थोड़ा सा ड्राई वॉश करना है, उसके बाद मैं इसको ट्रॉली में रख दूंगी। पर पता नहीं, और मतलब मेरे पास जगह ही नहीं है मैं रखूँ कहाँ, नीचे भी नहीं है ऊपर भी नहीं है। बताना चाहती हूँ,
आपने जो दही देखा ना वो मैंने घर पे बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया। सो घर पे दही कैसे बनाते हैं ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मेरा पिछले वाले व्लॉग में, जिस व्लॉग में मैंने वो फर्नीचर दिखाया था आपको और मशरूम बिरयानी दिखाया था, उस व्लॉग के एकदम एंड में मैंने शाम को दही जमाना आपको दिखाया था। और बहुत ईजी होता है, अगर आप एक बार घर पे दही जमाने लगोगे ना तो बाहर की जो दही मिलता है वो आप खरीदोगे ही नहीं, क्योंकि बहुत अलग होता है टेस्ट में। बाहर में जो दही मिलता है ना ऊपर से थोड़ा सा कैसे ऑयली ऑयली होता है, कैसा अलग सा खुशबू अलग सा टेस्ट होता है, घर का दही बहुत अच्छा फ्रेश होता है एकदम। तो एक बार आप दही बनाओ, 2-3 दिन चलता है, फ्रिज में रख के खा सकते हो। और अभी गर्मी के सीज़न में ना दही खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। एवरी डे लंच के बाद दही खाओ एक कटोरी विथ क्यूकम्बर, इससे ना वेट भी लॉस होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कुछ टिप्स बताओ वेट लॉस का तो दही में आप क्यूकम्बर डाल के खा सकते हो। और बहुत सारे लोग ना मुझे पिक्चर भेजते हैं, आई एम श्योर आज का ये रेसिपी आप में से बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे और मुझे इंस्टा पे या तो फिर मेल करके या तो फिर फेसबुक पे ज़रूर पिक्चर भेजेंगे, और उस पिक्चर को मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में या तो उसके बाद, क्योंकि मैं ना कलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, एक साथ बैठ के उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो काम जो है मेरा पेंडिंग हो रहा है, करूँगी थोड़ा सा। एक्चुअली मैं बिज़ी चल रही हूँ, पर आप लोगों के लिए हमेशा मेरे पास टाइम रहता है, मैं बहुत जल्दी उसको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। और मेरे नेल पॉलिश जो है वो ख़राब हो गया है, प्लीज़ 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 इग्नोर दैट, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं इसको रिमूव करूँ यार। सो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इसको रिमूव कर लो, तो मैं तो करने के टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे, सुबह उठ के ब्लॉग करो ये करो वो करो, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है। सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, होप यू गाइज के मेरा मेहनत आपको दिख रहा है। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस, मैं फिर मिलूंगी, बाय बाय, गुड नाइट।